एशिया कप साल 2023 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा था कि एशिया कप 2023 इस बार पाकिस्तान में खेला जाएगा। इसे लेकर लगातार कहा जा रहा था कि भारतीय टीम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगी। ये बड़ा सवाल बना हुआ था, लेकिन अब इस पर बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने मुंबई में हुई बीसीसीआई के एजीएम के बाद अगले साल एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर होगा इसका ऐलान कर दिया है। ये सरकार है जो भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने की अनुमति पर फैसला करती है, इसलिए हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन 2023 एशिया कप के लिए ये तय किया गया है कि ये टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू पर आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, एशिया कप को लेकर बीसीसीआई की ओर से कहा गया था कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल से इस बात को लेकर अनुरोध करेंगे कि एशिया कप को पाकिस्तान के अलावा कहीं और करवाया जाए। साथ ही ये भी कहा गया था कि आईसीसी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रैवल कर सकती है, लेकिन एशिया कप के लिए टीम का पाकिस्तान ट्रैवल करना मुश्किल है। लेकिन अब इस पर बीसीसीआई सचिव और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, एशिया कप के लिए न्यूट्रल वेन्यू कोई नई बात नहीं है। हमने ये फैसला किया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। वहीं अगर बात करें 2022 एशिया कप की, तो वो श्रीलंका में खेला जाना था, लेकिन वहां के हालात ठीक नहीं होने के कारण इसे यूएई शिफ्ट कर दिया गया था। अब इस बार भी वेन्यू में बदलाव तय दिखाई दे रही है। अगले साल खेले जाने वाला एशिया कप कहां होगा, अभी इस बात को लेकर कुछ साफ नहीं हुआ। बता दें, भारत पाकिस्तान ने साल 2012-13 से कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली। पाकिस्तान टीम 2012-13 में भारत का दौरा करने आई थी। इस दौरे में 3 T20 इंटरनेशनल और वनडे मैच खेले गए थे। इसके बाद दोनों टीमों का आमना सामना एशिया कप और वर्ल्ड कप में ही हुआ है।